विद्युत बल, तो विद्युत आवेश द्वारा, विद्युत मतलब बिजली, आवेश मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, तो विद्युत आवेश द्वारा अन्य आवेश, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये सड़क है और यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगा है और यहाँ से एक तार ये गया हुआ है बिजली का, यानी इसमें विद्युत बह रही है, करंट बह रहा है और इस पर आवेश है, धनात्मक ऋणात्मक आवेश है, अन्य आवेश। तो अब अन्य आवेश का मतलब यहाँ पे दूसरा भी कोई तार है, या तीन तीन तार के देखे होंगे आपने लट्ठे पे लगे रहते हैं, तो एक तार यहाँ से गया, एक तार ये गया और इस पर भी आवेश है और इस पर भी आवेश है, तो इस पर जो आवेश है उसके द्वारा इस पर ये अन्य आवेश हो गया, यहाँ पर भी चार्ज है, तो इस आवेश द्वारा इस आवेश पर कोई अगर बल लग रहा है तो उसको विद्युत बल कहेंगे। कभी देखा होगा आपने कि तार तार आपस बीच में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, उनमें स्पार्किंग हो जाती है, तो क्योंकि इनके आवेश के कारण है। तो ये बात हो गई। या दूसरी बात कही गई है, या अन्य वस्तु पर, मतलब एक कंडीशन है कि जिस पर एक तार पे धारा बह रही है और दूसरे बह रही, तो आवेश आवेश के बीच में जो बल लग रहा हो कोई फोर्स, कभी कभी जैसे यहाँ पे अन्य की बात है कि अन्य वस्तु की, तो जैसे हाई टेंशन तार है और कभी कभी लोग और यहाँ पे बहुत सारे तार निकले हैं, तो कभी कभी कोई आदमी चढ़ जाता है टावर पे और जैसे थोड़ा इसके नज़दीक आ जाता है तो फिर वहाँ पर जो इस पर आवेश है और जो ये वस्तु आदमी है, इसको मान लीजिए अन्य वस्तु, तो अब इनके आपस में भी अट्रैक्शन होने लगता है आवेश के कारण, क्योंकि बॉडी में भी चार्ज है और उसमें भी चार्ज है। तो दो कंडीशन है कि या तो तार तार के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा या रिपल्सन हो रहा होगा, मतलब खींच रहा होगा अपनी ओर या फेंक रहा होगा, तो उस पर कोई ना कोई बल काम कर रहा है। या दूसरी कंडीशन है कि कोई वस्तु यानी कोई आदमी है, कोई जानवर है और वो बिजली बह रहे तार में आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी खिंचाव या एक दूसरे को दूर फेंकना कंडीशन हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई बल लग रहा है, तभी तो उसने खींच लिया ना उसको। तो यही जो बल है तार तार के बीच में या आदमी या तार के बीच में या अन्य कोई जानवर और जिसमें करंट बह रहा है उस तार के बीच में एक फोर्स होता है, एक बल लग रहा होता है, उसी को विद्युत बल कहते हैं।